45,000 के आसपास का काम रहने वाला इस गाड़ी के अंदर। 5,000 का ORVM लगा दिया, ORVM के अंदर स्विच लगाया विद रिले लगा के दिया भैया को। फ्रॉम अगर अलॉयज है, 16 इंच के अंदर अपग्रेड है, टायर प्रोफाइल चेंज है, टेल लाइट लगा दी भैया, 3,000 रुपए की रेंज है, मारुति ओरिजिनल पार्ट, फुल बकेट सीट को रहेगा, लाइफ टाइम गारंटी वाले सीट को रहते हैं भैया हमारे। स्टीयरिंग चेंज हो गया 2500 रुपए के रेंज में। टच रिस्पॉन्स वगैरह की अगर हम बात करेंगे कैसा कुछ अपना रहने वाला है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टच रिस्पॉन्स काफी स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा। कैमरे का रिस्पॉन्स कैसा कुछ रहने वाला है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। भैया का रेट भी पसंद आया, काम भी पसंद आया, इसलिए भैया के पास आए। तो जो चीज आपने अभी वीडियो बनते हुए देखी, हाँ, भैया ने जो प्राइजेस बताए वही प्राइजेस सेम जो वीडियो में था वो रियल में भी था। वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं अभी तिवारी कार एक्सचेंज सीरीज करोल बाग में। अगेन अपने सामने खड़ी है मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स। सबसे पहले मिलते हैं बिट्टू भाई से और जानते हैं कौन सा वेरिएंट है, कहां से गाड़ी आई है। भैया फ्रॉन्क्स रहने वाली अपनी बेस मॉडल CNG में रहने वाली है। ठीक है, ठीक है। सिग्मा रहने वाला और HR का नंबर रहने वाला गाड़ी का, हरियाणा के भैया आए हैं हमारे पास। ठीक है जी, ठीक है जी। और गाड़ी का सारा कुछ काम कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट है, भैया ने अपने बजट के अंदर काम करवाया, 45,000 के आसपास का काम रहने वाला इस गाड़ी के अंदर। ठीक है, जो हमने काम करके दिया अच्छी क्वालिटी के साथ करके दिया भैया। ठीक है जी, क्या कुछ रहने वाला है भैया? सबसे पहले आप देख लो हेडलाइट में भी कोई अपग्रेड नहीं करवाया भैया ने, ना DLL अपग्रेड करवाया हुआ है। ठीक है, करवाने का ऑप्शन रहता है पास। 230 वॉट के लिए हमारे पास स्टार्ट हो जाए 5,500 से 6,500 तक के रेंज में जाती है, इसकी 2 साल की वारंटी होती है। ठीक है, अगर आपको ओरिजिनल DLL लगवाना है उसकी कॉस्टिंग 6,000 रुपए आती है विद इंस्टॉलेशन दोनों ही अपनी। हाँ जी, विद प्राइस हम वीडियो रखेंगे अपनी जो हम रखते आए हमेशा से। ठीक है जी, ठीक है भैया। साइड प्रोफाइल चलेंगे भैया, सबसे पहले जो काम हो चुका है इसके ORVM पे, जो सबसे बेसिक चीज होती है अपनी गाड़ी के अंदर फ्रॉन्क्स के अंदर, तो आप चेक करेंगे गाड़ी को जैसे ही लॉक करेंगे मिरर अपने यहाँ पे फोल्ड हो जाएंगे। मिरर फोल्ड भी है, सिंगल क्लिक, गाड़ी अनलॉक, मिरर हमारा अनफोल्ड, तो प्रॉपर वर्किंग रहने वाला है की के साथ, प्रॉपर की से वर्किंग रहेगा भैया, और इसका प्रॉपर हमारा स्विच से हमने लगा दिया। तो बटन प्रेस किया मिरर अपने फोल्ड हो गए दोनों, और यहाँ पे बटन प्रेस किया मिरर अपने अनफोल्ड हो गए दोनों, आप चेक कर सकते हैं। इसमें भी एडजस्टिंग भी नहीं आती, आप देखोगे मिरर भी एडजस्टिंग करेगा प्रॉपरली, ये इस तरीके से अपना एडजस्टमेंट जो है वर्किंग रहेगा, लेफ्ट और राइट आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कॉस्टिंग की बात कर दिया, देखिए भैया प्रॉपर काम जैसे भैया ने करवाया, 45,000 बजट में सेम प्राइस लगाया भैया के साथ, कोई प्राइस ऊपर नीचे नहीं है। 5,000 का ORVM लगा दिया, ठीक है, विद ORVM के अंदर स्विच लगाया विद रिले लगा के दिया भैया को कंप्लीट करके, कोई एडिशनल चार्ज नहीं लिया इस काम के अंदर। ठीक है जी, ठीक है भैया। साइड प्रोजेक्ट का ORVM पे कॉस्टिंग होगी 5,000 रुपए, नया डब्बा पैक मिले लगा के दिया है। ठीक है, ठीक है जी। पियानो ब्लैक के अंदर आता है, किसी कस्टमर को बॉडी कलर चाहिए उसको बॉडी पेंट का खर्चा जो भी होगा 5-6 सौ एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, वो एडिशनल होगा क्योंकि इसमें मैट ब्लैक आते हैं। हाँ जी, एक ग्लॉसी ब्लैक लगा दिया हमने भैया का। ठीक है, और डब्बा पैक मिरर रहने वाला है मारुति का ओरिजिनल, बाकी इंडिकेटर जो था उसको हटा करके यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। साइड वेंट लगा दिया भैया, तो जी ड्राइव के अपने साइड वेंट जो है वो यहाँ पे इंस्टॉल कर दिए गए, गार्निशिंग जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। बिल्कुल, जी ड्राइव का साइड वेंट रहने वाला भैया, इसकी 1400-1500 की कॉस्टिंग आ जाती है। ठीक है जी, और इसमें अपना जंग नहीं लगेगा, ये अच्छी क्वालिटी का जी ड्राइव का साइड वेंट रहता है बेसिकली। ठीक है जी, नेक्स्ट क्या रहेगा अपना? गाड़ी में भी हैंडल क्रोम्स लगा दिया, आपको तो मैट ब्लैक हैंडल आते हैं, इसके अंदर CN लीक का हैंडल क्रोम लगा दिया है। ठीक है, जो कि जंग नहीं खाएगा अपना, तो रस्टिंग वगैरह का इशू जो है वो आपको नहीं आने वाला है। और एलॉय की बात करें तो भैया ने 16 इंच का अपग्रेड कर रखा था, आफ्टर मार्केट अलॉयज है, 16 इंच का अपग्रेड है, टायर प्रोफाइल चेंज है। ठीक है, ये आफ्टर मार्केट आते हैं लगभग 27-28 रेंज में ये अलॉय जाएगा आपका, बाकी ओरिजिनल किसी भाई को चाहिए उसकी कॉस्टिंग 18,000 रुपए रहती है हमारे पास। अगर आप बेस्ट टॉप बिल्कुल बेस्ट टॉप काम कराते हो 18,000 के अंदर आपका डब्बा पैक अलॉय लगा देंगे, अगर आप रिम लेके चले जाएंगे तो 1,000 रुपये ऐड हो जाएगा, 19,000 बन जाएगा वो। ठीक है जी, बैक साइड में जाते भैया टेल लाइट लगा दी, सबसे पहले इस गाड़ी के आन शान मान टेल लाइट लगा दी भैया। चेक करेंगे कनेक्टिव टेल लाइट का जो इंस्टॉलेशन है वो किया गया है, और ये भी जेन्युइन अपनी रहने वाली है, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से। बिल्कुल, रिप्लेसमेंट पार्ट होता है भैया, पुराना पार्ट हट जाता है नया पार्ट लग जाता है। ठीक है, और इसकी ओरिजिनल की पहचान यहाँ पे 5 डॉट्स मिल जाएगा भैया, तो फिर से एक यहाँ पे आप चेक करें, 2, ठीक है, 3, 4 और 5। ठीक है जी, 5 डॉट्स होते हैं जो कि ओरिजिनल की पहचान होती है, और ये मारुति का ओरिजिनल पार्ट होता है, कोई वायरिंग नहीं होती, सिर्फ पुराना पार्ट हटेगा नया पार्ट लगता है बात खत्म, मतलब वायर कटिंग वगैरह कोई इशू नहीं है, कपलर टू कपलर इंस्टॉलेशन होता है। इसकी कॉस्टिंग जो हमने इस गाड़ी में दी है 3,000 रुपए की कॉस्टिंग दी है टेल लाइट की। ठीक है जी, आप कोई कस्टमर हमसे खाली टेल लाइट मांगे उसमें सिंगल पार्ट में कोई डील नहीं करते हैं, पूरे काम पे डील करते हैं, जैसे भैया ने हमसे काम किया इनको ये ऑफर मिलेगा, तो सिंगल पार्ट पे ऑफर नहीं रहता भैया। ठीक है जी, ठीक है। बेस टू टॉप के अंदर 3,000 रुपये का टेलेट है, ऐसा नहीं है बेस टू टॉप का मतलब 1,00,000 रुपये है, मैं बार बार ये समझना चाहता हूँ, बेस टू टॉप का मतलब 45,000 हमारा बेस टू टॉप ही है भैया, मतलब काम के ऊपर डिपेंड करता है, काम पे डिपेंड करता है, बिल्कुल काम होना चाहिए गाड़ी के अंदर। टेलेट लगा दी भैया 3,000 रुपये के रेंज में मारुति का ओरिजिनल पार्ट। हाँ जी, रियर साइड से भैया ये रिफ्लेक्टर लगा दिया, स्कैनिंग मोड अपने जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इस वक्त नॉर्मल कंडीशन में है अपना, और अगर आप यहाँ पे चेक करें तो इसमें इंडिकेटर जो है वो पुट किया हुआ, तो इंडिकेटर के साथ इस तरीके से अपना ब्लिंक जो है वो अपना करते हैं। बिल्कुल भैया, तीनों मोड पे काम करेगा भैया, पार्किंग पे, ब्रेक पे, इंडिकेटर पे। ठीक है जी, और भैया ऐसा 3,000 की टेल लाइट है, 1400 का रिफ्लेक्टर, स्कैनिंग मोड वाला अपना। ठीक है जी, ठीक है भैया। बैक आउटर पार्ट से यही काम था गाड़ी के अंदर, आप चलते हैं कार के इंटीरियर में और आपको इंटीरियर से बताते हैं। तो इंटीरियर से क्या कुछ रहेगा बिट्टू भाई? सबसे पहले भैया ने लगवाया सीट कवर, फुल बकेट सीट को लगाया भैया, लाइफ टाइम गारंटी वाले सीट कवर है, थाई सपोर्ट के साथ आपको मिल जाता है यहाँ पे प्रॉपर, तो थाई सपोर्ट जो है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, और फुल बकेट सीट कवर रहने वाले हैं, ऑफ वाइट और ब्लैक का कॉम्बिनेशन जो है वो अपना यहाँ पर यूज किया गया है,
आप चाहो तो अपना अलग अलग कलर के साथ ले सकते हैं, अलग अलग क्वालिटी के साथ भी इसको परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसकी फिट फिनिश चेक कर सकते हैं और रियर में कैसा कुछ लुक आ रहा है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्कुल भैया, फुल बकेट सीट को रहेगा, लाइफ टाइम गारंटी वाले सीट को रहते हैं अभी हमारे ये, ठीक है। प्रॉपर थाई सपोर्ट आता है निकल गया, ऐसा नहीं हमने फॉर्म से थाई सपोर्ट खाली बनाते हैं, प्रॉपर थाई सपोर्ट होता है। हाँ जी, इनकी कॉस्टिंग में 7,500 रुपए रहती है सीट कवर की। और ये हल्के फुल्के जो आपको निशान दिख रहे हैं वो हट जाएगा भैया। हाँ जी, वो भी हट जाएगा, लड़का हाथ मारेगा हट जाएगा ये सब भी, ठीक है जी। बाकी प्रॉपर सिलाई रहती है। बाकी भैया ने आमरेस लगवाए, आमरेस वाले आमरेस अपने पास अवेलेबल है 2500 रुपए के रेंज में, जो कि जर्मन होगा मारुति का, मारुति जर्मन पार्ट रहता है वो भी अपना, ठीक है। स्टीयरिंग चेंज हो गया 2500 रुपए के रेंज में, जो कि आप यहां पर चेक कर सकते हैं। इसमें जेटा वाला स्टीयरिंग जो है वो यहां पर इंस्टॉल किया जा चुका है, और जिसमें आप चेक करोगे स्टीयरिंग माउंटेड ऑडियो एंड कॉलिंग कंट्रोल्स प्रॉपर वर्क करने वाले हैं। और ये पेडल शिफ्टर वाला जो है वो लगाया गया है, जिसमें डुअल टोन रैप भी किया गया है। बिल्कुल भैया, सेम इस सीट कवर जैसे अपना डुअल टोन रैप होगा गाड़ी के अंदर, ठीक है जी। ठीक है भैया, ब्लैक एंड लाइट ग्रे के अंदर सेम सीट कवर के साथ। हाँ जी, बटन हमारा काम करेगा, तो यहाँ पे आप चेक करेंगे वॉल्यूम प्लस माइनस सारा कुछ वर्क रहेगा, और बीटी वगैरह के सारे बटन अपना काम करने वाले हैं। बिल्कुल भैया, साथ में जो गाड़ी में काम होता है लगाते हैं, इसमें डायमंड की स्क्रीन डायमंड 2K 11.88 के अंदर, तो यहाँ डायमंड 2 जो हमारा था भैया वो लगाया है, ठीक है जी। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं, फुल अपना साइज जो है वो रहने वाला है, और 11.8 इंच का स्क्रीन साइज है, और फ्रॉन्क्स में किस तरीके का लुक देता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। टच रिस्पॉन्स वगैरह की अगर हम बात करेंगे कैसा कुछ अपना रहने वाला है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, टच रिस्पॉन्स काफ़ी स्मूथ आपको देखने को मिल जाएगा। कई सारी एप्लीकेशन प्री इंस्टॉल रहने वाली हैं, लाइक क्रोम ब्राउजर आप देख सकते हैं, इसके अलावा आप चेक करेंगे मैप है, प्ले स्टोर आपको मिल जाएगा, आगे चलें तो यूट्यूब है, और जेड लिंक के थ्रू आप इसके ना एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले कनेक्ट कर सकते हैं, और आई थिंक ये कारप्ले कनेक्ट है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। कुछ तरीके से अपना वर्किंग जो है वो अपना रहने वाला है, ये हमारा एंड्रॉइड ऑटो भैया कनेक्ट है भैया। अच्छा, ये एंड्रॉइड ऑटो है। हाँ जी, ठीक है। बाकी रियर व्यू कैमरा जो है वो भी इंस्टॉल किया गया है, रियर व्यू कैमरा लगाया गया है, ब्लॉपंग का 4.4 OEM कैमरा। तो कैमरे का रिस्पांस कैसा कुछ रहने वाला है वो आप यहां पर देख सकते हैं, HD और आई थिंक वाइड एंगल व्यू है, वाइड एंगल कैमरा भी है, प्रॉपर आप देखेंगे एरिया कवर कर रखा है, ठीक है, और प्रॉपर ब्लॉपंग ब्रांड का रहेगा भैया, तो काफी अच्छा विजन जो है वो आपको देखने को मिल जाएगा। इस कैमरे की क्वालिटी नाइट टाइम में भी बिल्कुल ही सेम जो है वो आपको देखने को मिलेगी, तो ओवरऑल जो है ये रहने वाला है। इसकी वारंटी वगैरह की बात करें तो एंड्रॉइड की वारंटी भी 1 साल की रहेगी, कैमरे की वारंटी 1 साल की रहती है। हाँ जी, स्पीकर हमने गाड़ी में लगाए भैया हरमन के कॉम्प्रेंट, पीछे लगा हरमन को एक्सेल, ठीक है। प्रॉपर ट्विटर शेष लगा दिया अपना यहाँ पे आप देखेंगे तो ट्विटर के लिए कोई कटिंग वगैरह नहीं करी गई, कॉस्ट कटिंग आप देखने को बिल्कुल ट्विटर शेष और ऐसी चीजें जो बिना बोले लगा देते कस्टमर से पैसा जोड़ देते उसके अंदर ही, ठीक है। अपना गियर नॉब चेंज कर दिया, मारुति ओरिजिनल पार्ट अपना ये भी, तो यहाँ पे आप चेक करोगे इस वाली कार में जो आता है वो फुल ब्लैक आता है इस तरीके से, आपको वो भी दिखा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे आप इसका बिफोर लुक जो है वो चेक कर सकते हैं, और आफ्टर लुक में आप चेक करें तो ये जो है चेंज किया गया है, चेंज कर दिया, मारुति का ओरिजिनल पार्ट होता है ये सब भी, ठीक है। ये कॉस्मेटिक चीज होती है जो चेंज हो जाती है, भैया के पास बेस ट्यूब पड़ा हुआ था उसकी वायरिंग और एम्पलीफायर पड़ा था उसकी वायरिंग हमने कर दी है। हाँ जी, बाकी यही मोटा मोटा काम था इस गाड़ी के अंदर, तो बाकी कराने को आप और भी चीजें लाइक हैंडल वगैरह चेंज करा सकते हैं, इनर हैंडल चेंज करा सकते हैं, 500 रुपए के चारों पार्ट आते हैं, सॉफ्ट टच करा सकते हैं चारों इंक्लूड ये व्हाइट कलर में, ठीक है। आर्मरेस लगवा सकते हैं, एसी चालू करवा सकते हैं, ठीक है। फ्रंट यूएसबी जो है वो भी मिल जाएगी, रियर यूएसबी जो है वो भी मिल जाएगी, बिल्कुल। और माइक की जो प्लेसमेंट करी गई है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ए प्लग के ऊपर आपको देखने को मिल जाने वाली है, बिल्कुल। तो ये सारा कुछ अपडेट जो है वो रहेगा इस वाली कार के अंदर, बाकी एक बार मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं कैसे उनका फीडबैक आता है। तो मिलते हैं कार के ओनर से और जानते हैं सर का कैसा फीडबैक आता है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम नरवीर है भैया। कहाँ से आ रहे हैं सर आप? मैं हरियाणा से आ रहा हूँ, बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ से, हाँ जी। तो यहाँ के बारे में कैसे पता चला आपको? यहाँ वीडियो देखी थी भैया की 2-3, ठीक है। एक महीने से देख ही रहे थे भैया की वीडियो, कार प्लान की ली, फिर भैया के पास ही चलते हैं करोल बाग। तो आपने और लोगों की वीडियोस भी देखी होगी आई थिंक? और लोगों की भी देखी थी, बहुत सारे हैं, कृष्णा है, पीयूष है भैया, वो काफी सारी वीडियोस थी, लेकिन भैया का रेट भी पसंद आया, काम भी पसंद आया, इसलिए भैया के पास आए। तो जो चीज आपने अभी वीडियो बनते हुए देखी, हाँ, भैया ने जो प्राइजेस बताए वही प्राइजेस सेम जो वीडियो में था वो रियल में भी था। ऐसा नहीं कि वीडियो में दिखा नहीं, नहीं वीडियो में ऐसा नहीं हुआ कि वीडियो में कुछ और बोला जा रहा है, यहाँ पे कुछ और मिला हमें आगे, नहीं, जो वीडियो में था वो यहाँ पे भी था। अब बात करें काम की क्वालिटी वगैरह की, काम कैसा लगा? नहीं, काम बेस्ट है और टाइमली भी कर दिया हमें फ्री, हम 9-10 बजे से आए थे और 1 बजे हमें फ्री कर दिया, ठीक है। काफी सारे वर्कर्स हैं, एकदम से लगे सारा काम, एकदम बढ़िया काम क्वालिटी के साथ हो गया, मस्त एकदम फर्स्ट क्लास। एलॉय जो है क्योंकि आपने आफ्टर मार्केट इंस्टॉल करवाया, तो मैं जानना चाहूंगा इसकी कॉस्टिंग वगैरह क्या रहती है? एलॉय मैंने 28,500 रुपए के करवाए थे चेंज, और टायर उसमें अलग है, प्रोफाइल चेंज है टायर। ओवरऑल अगर आप बात करें बजट की, क्या बजट रहा अपनी कार का? टायर व्हील समेत मेरा यहाँ पे जो आपने यहाँ पे 45,000 का बजट था, तो ये बजट आपको वर्थ लगा काम के हिसाब से? बढ़िया लगा, सारा काम परफेक्ट आपको हाँ मिला है, जो रेट बताया भैया ने वही लगा। तो कल को किसी को रिकमेंड करने का मौका मिले तो रिकमेंड करना चाहेंगे? खुद ही आऊंगा दोबारा दूसरी कार लेके अपने संडे को, भैया से बोला मैंने, ठीक है। मतलब एक और रिकमेंडेशन जो है वो आपकी तरफ से रहने वाला है, आपकी कार आने वाली, मेरी कार ही दूसरी आएगी संडे, ठीक है सर। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत बहुत वैल्यूएबल है, और आप यहां तक आए इसके लिए बहुत धन्यवाद।